पहाड़ों पर होने वाली बारिश के चलते दिल्ली में और खास तौर पर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो अब लाखों क्यूसेक में पहुंच गया है। इस वक्त हम दिल्ली में आईटीओ घाट पर मौजूद हैं और यहां पर तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि यमुना में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हरियाणा की तरफ से पानी लगातार दिल्ली का रुख भी कर रहा है। जो अभी वाटर लेवल है यानी जल स्तर है दिल्ली में यमुना का, वो है 203.31, जो कि खतरे के निशान से अब भी लगभग 1.5 मीटर नीचे है। हालांकि जो चेतावनी का निशान है वो 204 मीटर है, तो अब भी चेतावनी से भी लगभग 70 सेंटीमीटर नीचे। लेकिन जिस तरीके से आज यानी गुरुवार को पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, 5 बजे सुबह 1,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वहीं 6 बजे 1,03,000, 7 बजे 93,000 और 8 बजे लगभग 93,000 क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया है। यानी लगातार जो बारिश पहाड़ों पर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हो रही है उसका असर आने वाले दिनों में दिल्ली पर पड़ सकता है, क्योंकि जो पानी छोड़ा जाता है उसे दिल्ली पहुंचने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। तो आने वाले 2-3 दिनों में जब वो पानी पहुंचेगा और अगर अभी बारिश नहीं रुकी पहाड़ों के ऊपर, तो निश्चित तौर पर मुश्किलें दिल्ली के लिए ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये अभी स्थिति है, अभी खतरे और चेतावनी दोनों के निशान से फिलहाल दिल्ली में नीचे यमुना, लेकिन आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे खासतौर पर निचले इलाकों के लिए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।